नमस्कार, स्वागत है आपका टेक कुशवाहा जी यूट्यूब चैनल में। अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है तो आप बिना ऑपरेटर आईडी के, आप ओनली बेनिफिशियरी वाला ये जो ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन के थ्रू अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है, राशन कार्ड के थ्रू आप आयुष्मान कार्ड जनरेट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, रेडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। ये सब कुछ बेनिफिशियरी में अब एड कर दिया गया है। अगर आपको ऑपरेटर आईडी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। ऑपरेटर आईडी से ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपडेट का काम कर सकते हैं और दूसरों का भी आप केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट एक लाइव प्रोसेस करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए और आप खुद से अपना आयुष्मान कार्ड बना पाए। ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। ये प्रोसेस आप मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं और लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे बेनिफिशियरी पे मैंने क्लिक किया। मैं ऑपरेटर लॉगिन नहीं कर रहा हूँ आज, इससे पहले हमने ऑपरेटर पे दो तीन वीडियो बनाई हुई है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। वेरीफाई पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे टाइप करूंगा एंड यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसको फिल कर देंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे ऑपरेटर आईडी में यह फर्क होता है कि ऑपरेटर आईडी में कुछ ज्यादा वर्क होता है। ठीक है, आप दूसरों का काम करेंगे इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ऑपरेटर आईडी की अलग ही बात है। मतलब ऑपरेटर आईडी में बहुत ज्यादा वर्क है। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो आपके पास ऑपरेटर आईडी होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे पीएमजे ऑप्शन रहेगा क्योंकि हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। जिनका मैं आयुष्मान कार्ड बना रहा हूँ ये बिहार स्टेट्स हैं। ये अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है कि स्टेट आपको किस तरीके की फैसिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पे अभी आयुष्मान कार्ड का काम काफी ज्यादा में चल रहा है बिहार स्टेट में। स्कीम में यहाँ पे पीएमजे ही रहने देंगे अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अदर स्टेट से भी है तो यही प्रोसेस आप पहले चूज कीजिएगा। अगर ये प्रोसेस काम नहीं करता है तो आप दूसरा प्रोसेस यूज कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप चूज कीजिएगा। सिलेक्टेड बाई, देखिए यहाँ पे आधार नंबर के थ्रू भी हो जाएगा। आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और सर्च कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए इनका आधार नंबर टाइप करता हूँ, जिस लड़की का बनाना है हमें। आधार नंबर से अभी सर्च कर रहे हैं, अगर डाटा नहीं आएगा तो हम यहाँ पे राशन कार्ड यूज करेंगे। तो देखिए हमने आधार नंबर टाइप किया और यहाँ पे इनका डिटेल आ चुका है। हालांकि इनका लिस्ट में पहले नाम नहीं था, आज से मैंने 6 महीने पहले जब चेक किया था तो लिस्ट में नाम नहीं था इनका, और ना आधार नंबर से आ रहा था और ना ही इनके राशन कार्ड नंबर से आ रहा था। इनके पास व्हाइट वाला राशन कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे इनका राशन कार्ड नंबर आ रहा है, फैमिली आईडी। तो इनका नाम है अंतिमा कुमारी, अंतिमा कुमारी। यहाँ पे सामने देख सकते हैं अनआइडेंटिफाइड है। यहाँ पे रेड कलर में अगर ऑप्शन आता है ना, जैसे यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड थोड़ा सा डीम है, मतलब पूरा रेड नहीं है, तो इस टाइप के अनआइडेंटिफाइड, वो भी अनआइडेंटिफाइड लिखा होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेड होता है, तो ये यहाँ पे खुद से ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। तो ये जो है बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन से ये केवाईसी इसका डन नहीं हो सकता, इसके लिए ऑपरेटर आईडी ही चाहिए। ऑपरेटर आईडी से इसकी केवाईसी होगी। बट यहाँ पे अभी जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा ग्रे है, बिल्कुल रेड नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका हम केवाईसी कर सकते हैं। देख सकते हैं एक ऑप्शन है केवाईसी का, केवाईसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे सर्च करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मोड, यहाँ पे आधार ओटीपी चूज कर लेंगे। तो जो नंबर रजिस्टर है आधार में वहां पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, और ये बेनिफिशियरी का ऑप्शन है और ये ऑपरेटर का। तो बेनिफिशियरी में जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा जो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और जो इनके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसका ओटीपी यहाँ डालेंगे। तो चलिए हम पहले ओटीपी ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो आया है वो तो यहाँ पे डल जाएगा। कस्टमर ने काफी ज्यादा लेट कर दिया ओटीपी देने में, हम यहाँ पे फिर से रिसेट पे क्लिक करते हैं। दोनों पे फिर से एक एक ओटीपी जाएगा, दोनों को दोबारा टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओटीपी डालने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक प्रोसेस लेगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन एनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा। आपके पास इंटरनेट की जो स्पीड है, आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए जिनका हम केवाईसी कर रहे हैं वो अंतिमा कुमारी ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ओटीपी फिर से हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में उस पर फिर से ओटीपी जाएगा। ठीक है, अलाउ पे क्लिक कर देंगे। जिस मोबाइल नंबर से हमने बेनिफिशियरी आईडी लॉगिन किया है उस पे भी ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको पहले टाइप कर लेते हैं एंड यहाँ पे आधार वाले पे जाएगा 51। तो जैसे टाइप करेंगे फिर से ये लोडिंग लेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बेनिफिशियरी का एक फोटो लेना है और ये डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हुआ आता है, जो भी फिल है। बाकी यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि आधार में डेट ऑफ ईयर क्या है। ठीक है, बहुत से लोग हैं कि देखते नहीं है इसको और फट से केवाईसी डन कर देते हैं, जिसके चलते उनको अपने आयुष्मान कार्ड को बाद में अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, और ये बाद में होता नहीं है, दिक्कत होती है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है यहाँ पे 87। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे 9751। ठीक है, ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद ये दोनों ग्रीन सिंबल आ चुका है, हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। जो बेनिफिशियरी है इनका बर्थ ऑफ ईयर चूज कर लेंगे, इनका 2008 है एंड यहाँ पे सिलेक्ट फैमिली में जो हेड है, हेड जो है वो इनकी क्या लगते हैं, वो वाइफ डॉटर, मतलब जो फैमिली हेड है उनकी ये क्या लगती है, मतलब अगर हेड फैमिली हेड
डैड जो है उसकी मदर है, तो यहाँ पे ये सन चूज करेंगे, डॉटर चूज कर सकते हैं यहाँ पे ये। अब यहाँ पे पिन कोड अपना चूज करेंगे, ठीक है, बिहार सिवान। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन, और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल, ठीक है। देन यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो ब्लॉक होता है आपका वो चूज करेंगे, मेरवा, एंड विलेज आप यहाँ पे चूज करेंगे, फिर नाम लिखेंगे तो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने टोटल काम कर लिया है, बट एक काम बचा हुआ है फोटो का। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइव कैमरा ओपन होता है और यहाँ पे लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर किया जाता है, ठीक है, और जो साइड में है वो उनको हट जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करते हैं एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जितनी बार हमने केवाईसी डन किए यहाँ पे 84 से ऊपर रहा हमारा, मतलब 80 से ऊपर रहना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे ये 0 ही दिखा रहा है, यानी ये सर्वर की इश्यू है। हम अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन ये सर्वर की प्रॉब्लम है। चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबमिट पे क्लिक किया हमने, देखिए आ चुका है, ईकेवाईसी इज कम्प्लीटेड एंड रिकॉर्ड इज सेंड फॉर अप्रूवल, प्लीज चेक द स्टेटस चूजिंग द रेफरेंस नंबर, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर सेल्फ करते हैं तो सबसे बेहतर है। अब देखिए मैंने रेफरेंस में यहाँ पे इनको डॉटर बता दिया था कि हाँ ये जो फैमिली हेड है उनकी ये लड़की है, और इससे पहले मैंने अभी जो कार्ड बनाया था उसमें सेल्फ किया था। यहाँ पे जो डॉटर का ऑप्शन है यहाँ पे मैंने सेल्फ का ऑप्शन चूज किया था, तो ऑटोमेटिक तुरंत हैंड टू हैंड यहाँ पे अप्रूव हो गया था और यहाँ पे मैसेज आ गया था विजिट टू डाउनलोड सेक्शन एंड डाउनलोड नाउ। अभी ये अप्रूवल के लिए भेजा गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉटर चूज किया है। ओके क्लिक करते हैं, मदर है इनका बनाया था तो अप्रूव हो गया और डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है अंतिम, जो ऊपर है वेरीफाइड है लेकिन पेंडिंग में चला गया। तो गाइज यहाँ पे जब भी आप बनाइए जो फैमिली हेड है अगर उसको आप चूज करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं आप कि हाँ ये हमारे मतलब फादर हैं डॉटर हैं, जो भी मतलब रिलेशन दिखाते हैं तो यहाँ पे ये पेंडिंग में जाएगा। ये सब दिखा के प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो सेल्फ वाला ऑप्शन क्लिक करके कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। काफी अच्छे तरीके से साइट वर्क कर रही है, बीच बीच में एक दो दिन प्रॉब्लम आई थी लेकिन अभी ये साइट काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।